हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तूने सराया अब रामू, अरे पगला, मैं तुमको काफी देर से ढूंढ रहा हूँ और बेवकूफ तुम यहाँ सड़ा आम बेच रहे हो। बताओ, इतना आम हो गया, इतना आम इस साल था कि अच्छे आम तो लोग खरीदते नहीं थे और तू सड़ा आम बेच रहा, कौन लेगा? हम कहे भैया सोबा था तब हम वही बेच दिया। दिमाग से काम लिए हो और का? सुनो, ये पूछो कि मैं किस लिए तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। किस लिए मुझे ढूंढ रहे हो? अरे मेरे भाई, ये बताओ कि अब तो मेरा श्रद्ध रबर स्कूल जाया करता है ना? अरे भैया भले ख्याल दिलाए दिया छुड़का, भैया जो शरद कुमार है तो वो तो डॉक्टर बन गया। पागल है तो अभी पास नहीं हुआ, डॉक्टर हो गया। बताओ तो कैसे मालूम डॉक्टर हो गया? आज अखी मेहरारू रोवत की आवत रही। अच्छा, रोवत की आवत रही, बहुत तकलीफ होकर बेचारी कर रहा। तू ही अपने ये कुर्सी बैठाए, कुर्सी पे पुआ बैठ के ओकर हाथ पकड़ के इतनी बढ़िया सुई लगाए, तुरंत ही वहां सही ले आ गया। अरे रामो, वो डॉक्टर अभी हुआ नहीं है, किसी के यहाँ प्रेस्टी करता होगा ना? ही भैया सीखता होगा वो? सीखता नहीं होगा। बात छोड़ो सवाल, ये बताओ कहाँ है वो? आता होगा। अभी तक आया नहीं हो? आएगा, आने दो। आएगा, आता होगा, आएगा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रामू, ओ रामू, अरे पगला, तूने देखा कुछ? अबे कहाँ हम देखे, इधर आओ। हाँ देख, आज मेरा छोटा भाई शरद कुमार कितना बढ़िया पुष्पहार पहन के आ रहा है। सही बात है रामू, एक तो ताजुब से लग रहा है। क्या ताजुब? ये है किससे पूछो कि ये लड़की कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, कैसे घूंघट काढ़े है। बहुत सही, हा? बहुत सही। पूछो जरा, तू ना पूछ देगा। ओहो, तू पूछो जरा से, ये लड़की कहाँ से आई है, कहाँ जा रहे हो लिवा के? रामू, लड़की बहुत अच्छी है। देखा था महू, देखा था गंगा कैसर वाले इतना है, और देखा था प्रताप गढ़ वाले जितना पचासन आदमी बैठा है, ये देखा था। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई। अरे पगला, बेसब नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है और क्या करने आई है, तो तू लंबाई चौड़ाई गहराई देखना ना लग दो। हेलो हेलो शरद, ये कौन है और कैसे आई है? बता रहा हूँ भैया, रामू, मैंने सोचा कि मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में परेशान रहूंगा। जब पढ़ाई में परेशान रहूंगा तो अपने राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी की क्या सेवा करूंगा? इसलिए भैया की सेवा करने के लिए भाभी की सेवा करने। समझ गया, समझ गया। वास्तव में रामो, गंगा कसर के जितने भी लोग हैं और अन्यथा और जो भाई आए हुए हैं, तिवारी, हाँ हाँ तिवारी जी, मखलाल, ये लोग जो है गुड्डू प्रधान जी, प्रधान खानापुर वाले, और हमारे चौकीदार जी, सभी लोग उससे बुराई कर रहे थे। ये कह रहे थे कि देखो कन्वर लाल, तुम्हारा भाई शरद कुमार जो है बिल्कुल बेवकूफ है, इस बार दिमाग नहीं है, इसके दिमाग में जो है गोबर भरा हुआ है, पढ़ता लिखता नहीं है, अवर अगर करता है। लेकिन वास्तव में रहूं, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार लड़का है, दिमाग से काम लिया है। दिमाग से काम ये लिया है, ये सोचा होगा कि भैया और भाभी रामू सहित ये लोग जो है हर वक्त इसी की रस्ते में परेशान रहते हैं। मैं ऐसा करूं कि भैया भाभी के लिए एक नौकरानी बना के लेता चलूं। नौकरानी लिवा के? फिर भाई, ना 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 ना, ना। नौकरानी नहीं भाई, फिर नौकरानी नहीं, बहुरानी बोलिए। इसका मतलब तो शादी करके लाया है? लड़की बहुत अच्छी है भैया, बहुत गुणवान है तो भैया। अरे निकला कितना तू है क्रूर, अरे खींच लो खा ले तेरी मजा। बिन पूछे
है मुझसे तूने शादी को है कर लिया, दहेज ना कुछ है मिला, मनमानी तूने कर लिया। अरे भगा दे इसको घर से दूर, अरे खींच लू हालत तेरी। अपने जान की भलाई चाहता है तो इस वक्त इस बेहया बेशरम को घर से बाहर कर दे, वरना वो मार पड़ेगी ना कि दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। बच्चे भैया आप मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं। और क्या मैं खुशी मनाऊं? भैया चाहे गिराओ मुझ पे गाज, चाहे गिराओ मुझ पे गाज, भागाऊं कब तक हो ना आज। इसके संग में शादी करके दुल्हन इसे बनाया, और जीवन भर संग रहने का कसम बिरन मैं खाया, रखा इसकी मैं हूँ लाज, भगाऊं कब तक हो ना आज। चाहे आप मेरे ऊपर पहाड़ ही क्यों न गिरा दें, लेकिन कविता को मैं अपने से जुदा नहीं करूंगा भैया। क्या कहा तू नहीं भगाएगा? सुरेश मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। सही बात, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। करना होगा। बोल भगाएगा या बेशरम मेरे हाथ से फिर मार दूंगा। क्या हुआ पागल? चौकीदार बेकार हो, सब मामला फेल हो। अब वही तो भय छू लेते हैं। अरे छू लिए, छू उठी, छू उठी, चार धरा गुर बाटा। ये बहुत बेशरम लड़की है, ये ठगते सामने बोला नहीं खोले बा। तोपले जेठ जी करो नया खेला, जेठ जी करो नया खेला, होता मुझको बहुत वापस ना मैं आऊंगी, खींचो कोड़ों से ना खा, खींचो कोड़ों से ना खा, होता मुझको बहुत मलाल। नहीं जाने दूंगा, तू चले जाएगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा तेरे लिए। भैया ही नहीं जाने दूंगा। भैया ही खड़ा है, एनहन दोनों मिले लपटियान है, बताओ कौन सहूराट है। भैया सबसे पहले आप इस लड़की की कहानी सुन लीजिए भाई, इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। इसकी इज्जत सागर सिंह ने लूट लिया, इस लड़की की इज्जत सागर सिंह ने लूट लिया,
इसका एक भाई जिसका नाम तिलक कुमार, इसके भाई को जान से मार दिया। जब इसका भाई मर गया तो दुनिया में अनाथ हो गए, बेसहारा हो गई। जब इस दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं रह गया भैया, तो ये कुएं में कूदकर अपनी जिंदगी गंवाने जा रही थी। मैं तत्काल पहुंचकर बचा लिया और शादी किया, वादा किया भाई कि मैं इसका साथ जीवन भर निभाऊंगा। इसलिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपनी बहू के रूप में इसे स्वीकार कीजिए और अपने घर में रहने का पूरा पूरा अधिकार दीजिए। रामो इधर आओ। रामो तुम सोचो और समझो। हाँ सोचो कि जिस लड़की की इज्जत लुट गई, सही बात बोलो, समाज में उसकी इज्जत क्या होगी। आज हमारे गांव के लोग, हमारे बिरादर सभी लोग सुनेंगे कि कन्वलाल का भाई जो है ये कलंकी लड़की लाके घर में बैठा दिया। बोलो मेरा सर ऊंचा रहेगा या नीचा हो जाएगा? ऊंचा नीचे का बात है, छोड़ा भारियर पतरी के मोंसर न होए। लेकिन इसको कौन समझाए? तोहरे नेवता क्यों नहीं आए? हम अहू न रह भाई तोहरे ही समझ ले भैया। शरद भाभी की बहुत सेवा करेगी भैया, इसके रोम रोम में गुण भरा हुआ है। भाभी की बहुत सेवा करेगी, आपकी सेवा करेगी भैया, इसको लक्ष्मी समझ के लक्ष्मी भैया। शरद मैं तेरा ड्रामा डाला के नसीबा चाहता हूँ, भला इसी में है इस वक्त इसको भगा दे, नहीं तो आज मैं भैया कोड़े से भैया ये चमड़ी निकालूंगा। इसका दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाएगी, रो रही है भैया, देखिए रो नहीं मानेगा भैया, नहीं मानेगा भैया, हर रहने अलग नहीं तो भैया। अगर आप मेरे ऊपर नाराज हैं, तो मैं भी इस घर का रहने वाला हूं, मैं भी इस घर का सदस्य हूं, इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है, बांट दीजिए मेरे आधे हिस्से को, मैं कविता को लेकर के अलग रहूंगा, बांट दीजिए मेरे आधे हिस्से को, बांट दीजिए। हे भगवान हो बतावा, तुलसी भाभी घर में आए हम कहे भैया भगवान कोई लड़का कोई लड़की नहीं दिया, शादी कर लो। कहन मैं शादी नहीं करूंगा, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा लड़का है, लड़का की तरह पालन त्याज कहा था, हिस्सा बांट दे, हिस्सा बंटवावा था। हे भगवान हिस्सा किया हो, डकैती किया हो, किसी के ऊपर कोई अत्याचार किया हो, जुर्म किया हो, बस यही इतनी गलती किया हो, इसकी इज्जत लूट गई तो दुल्हन बनाकर शादी करके अपने घर लाया हूँ, यही गलती किया हूँ। रामू समझा करो, समझना चाहिए, इंसान हो, इंसानियत होना चाहिए। हाँ भैया इसकी इज्जत लूट गई तो दुनिया में इसका जीने का अधिकार खत्म हो गया, ये मर जाती तभी ठीक था, बेसहारों को सहारा देना चाहिए। भैया भौजी अपने मन के शादी करते हैं, दहेज मिलत बढ़िया दुल्हन आवत, दूसरी दुल्हन भाड़ में जाए, दहेज सब भाड़ में जाए, दुल्हन ही दहेज है, दहेज के लिए मर रहे हो। हाँ। यही पापी दहेज अपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये दहेज एक जहर बनता चला जा रहा है। यह समझ ले बचाए तुम्हारे उजाबे ठीक है। हाँ। सतालो रामू जी भर के सतालो, सुबह मेरी लाश पाओगे, किसी रेलवे लाइन पर कट करके या कुएं में कूद कर खुद अपनी जिंदगी गंवा दूंगा, नहीं तो मुझे बंबई में पाओगे, मैं इसको लेकर बंबई भाग जाऊंगा। सताओ तो कहा बंबई लेके भाग गया भाई। रामो कावड़े भैया, रामो मेरे भाई, मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। रामो आज मुझे याद आ रहा है रामो कि बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हाँ बड़े भैया, बड़े भैया माता पिता का प्यार नहीं पाया, नहीं पाया। हम दो पुराने जो है अपने शरद को अपना भाई नहीं बल्कि अपना बच्चा समझ के पाला हूं कि एक दिन मेरे एक काम आएगा। रामो आज इसकी बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया, रामो मेरा कलेजा कट गया। आज मेरे पास कोई संतान होती, कोई औलाद होती रामो, तो ये बात ये दिन जो है देखने को ना मिलता। ठीक कह रहे भैया, सोचो रामो, सोचो रामो, इस गृहस्थी में खून पसीना बहा बहा कर एक एक पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सब बना रहा हूँ। सोचो मेरे भाई
क्या मैं मरने के बाद कब्र में बांध के जाऊंगा मेरे भाई? नहीं भैया, इसी के लिए बना रहे हो। जो कुछ बना रहा हूँ इसी सड़क के लिए। हाँ भैया, लेकिन मेरे भाई आज इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। मेरे भाई तुम्हें कोई रास्ता बताओ। बड़े भैया कह रहा है मुझे ज्यादा सताओगे तुम, बम्बई भाग के लिए आगे चले जाएंगे, नहीं कुएं में कूद के मर जाएंगे, रेलवे पे कट के मर जाएंगे। अगर नहीं समझाओगे ज्यादा सताओगे तो मर सकता है भैया, तो और परेशानी पड़ जाओगे। तो ठीक कह रहा मेरे भाई। हाँ बड़े भैया, क्योंकि मेरा सिरज जो है अब बच्चा नहीं रह गया है, सयाना हो गया है। हो सकता है ज्यादा कुछ कहूंगा तो आत्महत्या कर लेगा, तो मैं परेशानी पड़ जाऊंगा। समझावा। अरे मेरे छोटे भाई, तू मेरे ऊपर नाराज हो गया? अरे पगला, मैं तेरे पर नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। परीक्षा? परीक्षा? हाँ हाँ परीक्षा। लेकिन कैसी परीक्षा भैया? परीक्षा इसलिए ले रहा हूँ रामू। हाँ? देखो तू जो है ये शादी किसी समाज के सामने नहीं किया है। नहीं भैया। शादी किया है तो एकांत में अलग भी किए हो। जरूर जरूर जरूर। तो हो सकता है मेरे भाई कि किसी दिन कोई मुसीबत तेरे ऊपर आ जाएगी। हो सकता है किसी दिन तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी तो तू बहू का साथ छोड़ सकता है। इसलिए जैसे एक भाई एक भाई एक रस्सी में एक गठी देके कसते हैं, उस तरह से मैं तुम्हें कस रहा हूँ, यानी तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। परीक्षा? रामू भैया मेरे ऊपर नाराज नहीं, नहीं। भैया मेरी परीक्षा ले रहे थे, हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई संकट पड़े। हाँ। तो मैं इसको मार कर भगा ना दूं। अरे पगला, बहुत से लड़के भाई जो है भगा देते हैं अपनी। भैया तो का इतना माना थी बहुत बहुत हा? बहुत बहुत कि अपने सगा लड़का का न माने। जितनी तारीफ कर दूं फिर भी का भग जाने। एक मेहरारू ना बसैया तो चाहे चार मेहरारू ले। समझा रहा है बचपन को। अरे बेवकूफ, इतनी बड़ी महंगाई है कि लोगों को देख रहा हूँ कि एक औरतों को खर्च देने में तो हालत खराब होती चली जा रही है। जब वो दो चार औरत लाएगा तो क्या बगिया बकरी बना के चलाएगा ना? हम बात चलन कहा था कि एक पागल तुम हो दूसरा पागल हो है, कहीं कल से शुरू कर दे। रामू सब बात छोड़ो। हाँ। देखो हाँ। खुशी इस बात की है। हाँ। कि मेरा शरद जो है अपने शादी का सब पैसा बचा दिया। देखो वो पैसा ले लो, दो चार हजार रुपया ले लो, सब खर्च कर दो। सबसे पहले दावत देना तुम्हें। कहना क्या है दावत में? हाँ? कि देखिए भाई कन्वालाल का भाई जो है एक नई नवेली दुल्हन लाया है, कल इनके यहाँ बहु भोज है, आप लोग जो है दावत में आइएगा। सबसे पहले हमारे गंगा कैसेट के जितने भी वर्कर हैं, हाँ? हाँ? मालिक हैं, मैनेजर हैं, मिश्रा जी हैं, चौकीदार हैं, ये हमारे प्रधान जी गुड्डू हैं खानापुर वाले, और ये मक्खनलाल जी हैं, सबको दावत दो। और एक बात सुन लो, सेवा बढ़िया होना चाहिए, कोई शिकायत का मौका ना मिले। चलो जल्दी करो। सभी भाइयों से हाथ जोड़ की विनती है। पहले मैं नेता दूंगा। हाँ तू दे, मेरी दुल्हन आई है। हाँ तो हाँ दुल्हन तू दे। हाँ देखिए, गलती तो बहुत बड़ी किया कि जल्दीबाजी में शादी किया, आप लोगों को नेवता नहीं दे पाया, नई नई बहुरिया घर में लाया गुड्डू प्रधान। इसलिए गुड्डू प्रधान जी खानापुर के रहने वाले है ना, हाथ जोड़ करके अपनी गलती मानता हूँ, आप क्षमा कीजिए। अरे पंडित जी केदारनाथ जी हटा चुका नहीं, कैसे नेवता दे थे चला। हाँ बताओ, हमारे गुरु जी केदारनाथ पंडित जी और चौकीदार भैया राजा राम तुमको नेवता देता है, केसरी भैया वर्मा जी और इतने कैसेट के आए हैं गंगा कैसेट वाले, इतना कहला वाले आए हैं, इतना कनेरा वाले आए हैं, इतना मैलहान वाले आए हैं। अरे केसरी वर्मा जी खड़े, इनको समझाओ। केसरी वर्मा तो हम रिश्तेदार आए हैं, जना मान लेवन गढ़ी वाले आए हैं, जितना जने आई है सबको नेवता देता ही। हम सेवा में चूकम न बचाऊ हरा। बस शर्मा जी तोरे बाबू नहीं आए ना आई है, आप कौन फर्क ना ही ना। हम सेवा में चूकम न जब पहले पहुँच बे, जब पहले पहुंचबा तो पेल के शरबत पिया। अरे बाप रे बाप, सबको डर हो गया, सब खाना खराब हो जाएगा। खानापुर के गुड्डू प्रधान भगे चले जा रहे, तिवारी जी को देखो, अब खाना खराब हो जाएगा, कोई अपने दरवाजे। अरे ऐसे नेवता दिया जाता है? जब पहले पहुंची ही तब बेल का शरबत पियाओ, बेल का
पेल का, पेल का शरबत तब का। अब पहले तूने क्या कहा है? पहलवा गड़बड़ाई गए, हम कहे पेल के शरबत पिया। ए सुनो रामू, सब बात छोड़ो। देखो देख रेख में कमी न होने पाए, हाँ कोई सिकवा सिकाल न मिले, अच्छा मजलता हटो, चलो चलो बगल। अरे नहीं की कहा, क्यों यही भैंस खड़ी बहकी जा था, अब एक दांत छिले रहा तो हर आदत पड़ गई है। इधर जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, जा भैया, जा 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 भैया, जा नमस्कार। अगली भैया मेरे ऊपर नाराज नहीं है, भैया मेरी परीक्षा ले रहे थे, वही बात है कि एक दिन लड़के ने सोचा क्या रखा है प्यार में, और अपनी महबूबा को ले जा बेच दू बाजार में। चलो चलो घर के। अरे 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 अरे, ये मेरी दुल्हन है, तुम्हारी दुल्हन नहीं है, समझा? अरे सही से क्या बात है, अरे बिछावैला गे खटिया मैं का करूं, हे मैं का करूं राम, अरे सतावे बेईमनवा मैं का करूं। हे सतावे बेईमनवा, सतावे बेईमनवा मैं का करूं, ये सताव दे मनवा। ओ चौकीदार, मौसीलाल पता नहीं चली भी गजब हो गया। का भवा, सोचने वाली बात है। क्या हुआ? मैं तिलक को जान से मारना चाहता था, लेकिन लेकिन वो सर्वा भगवान की कृपा से बच गया। कैसे? रूपनगर के महाराजा धर्मपाल की बिटिया ममता ने आकर तिलक की जान बचा ली। सही बात। और पता चला है तिलक और ममता में बहुत गहरा प्यार हो गया है। इनका पता चला है तो हमारे सामने का बात है। तो मुझसे बतलाया कादी कहां के भिंग मंगा साला, आए लुंगी पहन के ममता कैसे कोरोना में लगे सर्वा चुम्मा लेत रहा, हम बिगड़े लगे हमका मारे ही लाग सार। मौजीलाल, उस मालिक परमपिता परमेश्वर ने सौ सैतानों की खोपड़ी चूर करके ये खोपड़ी तैयार किया सागर सिंह की। अबे देख रहे इस खोपड़ी की करामात, मैं क्या से क्या करके दिखाता हूँ। कर मैं ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा, तिलक और ममता का प्यार हासिल नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो महाराज के पास, महाराज से शिकायत करके तिलक और ममता को जेल में डलवा दूंगा। सही। तिलक जो है वो साला जेल में सड़ जाएगा, राजकुमारी ममता मेरे दिल में बस गई है। सही बात। मेरे निगाहों में गड़ गई है। एक दिन महाराजा धर्मपाल से कहकर ममता से शादी कर लूंगा। बहुत सही। आइए चलिए चलिए सागर सिंह। महाराज अफसोस, अफसोस गजब हो गया महाराज। क्या गजब हुआ है सागर सिंह, बोलो। कहीं वो बात बता दिया तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नाराज नहीं होऊंगा, बताइए। मानो कि आपकी इज्जत जाने वाली है। कैसे इज्जत जाने वाली? नाक कटने वाली है। कैसे नाक कटने वाली? मुख में कालिक लगने वाला है। कैसे कालिक लगने वाला है? आपकी बेटी ममता अवारा हुई, फंस गई एक भड़ुआ के प्यार में, बेच डालेगा उसको तवा जब के घर, जीवन कोठा पे बीते बेकार में। आपकी बेटी राजकुमारी ममता अवारा निकल गई है, ये अवारा लड़के से मोहब्बत करती है, किसी ना किसी दिन
वो भिखारी राजकुमारी ममता को तवा आपके कोठे पर बेच देगा, ममता का जीवन बेकार हो जाएगा महाराज। मेरी बेटी नहीं ऐसा कर सकती है, झूठा इल्जाम उस पे लगाओ नहीं, मुझ पे सारा जमाना हंसेगा बहुत ही, मेरी इज्जत में धब्बा लगाओ नहीं। खा कसम गंगा मैया कि मैं कह रहा, रास्ते में दोनों प्यार करते रहे, अपनी आंखों से देखा महाराज जी कंधे पर हाथ रख कर के आते रहे। आने दो आज उसी पापनी को यहाँ, मार कर हड्डियाँ तोड़ डालूंगा मैं, जेल में बंद कर दूंगा उन दोनों को, दाना पानी बिना मार डालूंगा। सागर सिंह महाराज, सबसे पहले तुम्हारी बात पर मुझको जरा सा विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी ममता ऐसा कदाचित नहीं करेगी, उसके ऊपर मुझको पूरा विश्वास है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ महाराज? और क्या, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। कहा गया कि अदालत में गवाह की जरूरत पड़ती है, तो फुलवारी में मौजीलाल भी गया था, पूछ लीजिए। चलो बताओ साहब साहब। क्यों बेटा शेर सिंह, इधर आओ। ये बताओ तुम ममता के साथ फुलवारी में गए थे? आप भेजे रहे महाराज। अरे मैं तो भारत लाल को भेजा था। हम चला गए, गबई ना भवा, बीमार हो गया। वो बीमार हो गए? हाँ। अच्छा तुम गए थे। हाँ। ये बताओ सागर सिंह जो कह रहा है ये बात सत्य है कि असत्य है? बताओ महाराज बात सत्य है। हम कहले बगिया में घूमा टहर हम जाते चाह पिए, इतने में खी मंगता आई लुंगी पहन के, ऐसे ममता कोरवा मलिक सरवत चुम्मा लेते रहा। शेर सिंह हम कहा लगे हमको बिगड़ गए। तुम्हारी बात पर मुझको विश्वास हो गया। आने दो ममता और मंगता को, दोनों को मार मार कर चेक मैं जेल में बंद कर दूंगा और दाना पानी भी ना मार डालूंगा। सागर सिंह और शेर सिंह तुम दोनों यहाँ से जाओ। आने दोनों दोनों महाराज की। राम जाली ऐसा करते हुए तुझे तन नहीं आई? बोल तू क्या कहना चाहता है? महाराज जी बाबूजी आया हो कर के मजबूर, मेरे बहुत सहूर नौकरी को दो मुझे कोई जरूर, मारो कहीं बन महाराज जी। मैं एक परेशान इंसान आपके पास नौकरी के लिए आऊ, मुझे नौकरी दे दीजिए महाराज जी। तू मजदूर है मेरे पास नौकरी के लिए आया है, लेकिन मेरी बात सुन। क्या बात है? अरे मजदूर नहीं लगता, लगता है मुझको चोर। नहीं महाराज जी, आया महल की ओर, मैं कोई चोर नहीं हूँ। डर से मार करके हड्डी को दूंगा तो पर मैं चोर नहीं हूँ। मजदूर नहीं बल्कि एक चोर है, चोर। मेरी बेटी ममता को तुमने अपने प्यार में फंसा लिया है, यहाँ से भाग जा नहीं तो मारते मारते जी। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी बात पर विश्वास करिए महाराज। अबू जादा हंटर को चलाओ, तुम होश में आओ, करती हूँ इनसे प्यार मेरा ब्याह रचाओ, इन्हें दामाद बनाओ। करती हूँ इनसे प्यार मेरा ब्याह रचाओ, इन्हें दामाद बनाओ। शादी का नाम तूने अरे घर के लिया दोबारा,
काटूं गला तुम्हारा, मारूंगा खींच करके तेरे गले दुधारा, खूनों की बहस से लगते हैं, शर्म नहीं लग रही है इन दोनों को? चल, मैं इनको ऐसे नहीं देखना चाहता। भाई साहब लपटिया ना, हम क्या करेंगे? तू क्या करेगा? इसको अलग कर, मैं तुझको ही मारूंगा। ममता राम जादी, इस तरह से इसके साथ में लिपटी है, शर्म नहीं लग रही है? इस तरह से इससे प्यार करती है? मेरी नाक काट ली, अगर मेरे रियासत के लोग सुन गए तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। रामजादी ऐसा करते हुए शर्म नहीं आए? रामजादी हां, बड़े मन काम करती है, महाराज हुकुम दे हम मार डालू बाज। बेटा शेर सिंह, बेटा शेर सिंह, हां महाराज, मैं दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। महाराज ऐसा करो, दोनों के हाथ में हथकड़ी लगा लो, हथकड़ी लगा करके ले चलो जेल में बंद कर दो, और आज के बाद इन दोनों को दाना पानी मत देना, तब करके दोनों मर जाएंगे। पिताजी मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारी मार दूं, पकड़ दूं, मैं चला हूं लेकर के आऊं। पिताजी नहीं, ये चल जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप के आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार जी कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, इसके में जीना इसके में मरना, इसके में जीना इसके में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार तो, जब प्यार किया तो डरना प्यार। मैं जब आया करता हूँ, ये पागल देखो कुछ ना कुछ चिल्लाता रहता है। अरे पगला, इतना जोर जोर से गाएगा ना, हाँ तेरा खोपड़ा जो है फट जाएगा। अब तबियत हम और जोर से गाए थे। सुनो, मैं तुम्हें बहुत जरूरी काम से ढूंढ रहा हूँ। हमें? हाँ हाँ, मेरा काम तो नहीं है, तुम्हारी भाभी का काम है। हम कब भौजी बुलाए का? हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम, जाओ 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 जाई का, जाओ जाओ जाओ। अरे भैया क्या है? अरे कन्हैया लाल, हमारे ख्याल हो गया। बोलो क्या ख्याल हो गई? आपन उजर की पिलैया परह बियान। ऐसा बेवकूफ बनाता है कि जैसे मैं हिंदुस्तान में रहता नहीं हूँ। अरे पगला, बच्चा नहीं देगी तो क्या देगी बताओ? नहीं तो गौना वाले कहाँ ही है, एक सोठौरा खिया हुआ नहीं आगे साल ना पिया है। यहाँ आदमी को मिल ही नहीं रहा है, ये पागल को क्या खिलाएगा? हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं, ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।